सो है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर एक को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर एक में दिया गया है कि प्रथम चार संप्रकी संख्याओं का माध क्या होगा। उम्मीद है कि आप सभी को तो माध ज्ञात करने आता ही होगा। एक फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है कि कुल प्रेक्षणों का योग और एन का मतलब नंबर अर्थात संख्या, यानी कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चनों का माध ज्ञात कर लीजिएगा। पहला उसमें दिया गया 5, ऑप्शन बी में दिया गया 8, ऑप्शन सी में दिया गया 10 और ऑप्शन डी में दिया गया है 20। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आज का अगला सवाल है कि बिंदु -4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। याद रहे इस प्रकार का जो सवाल है मेट एग्जाम में 100% मैं कहता हूँ कि एक नंबर का ऐसा सवाल तो जरूर पूछा जाता है। तो ऐसे सवालों का कैसे सॉल्यूशन करना है, आइए जान लेते हैं। याद रहे कि अगर दोनों बिंदु प्लस में हैं तो समझ लीजिए कि दी गई बिंदु प्रथम चतुर्थांश यानी प्रथम पाद में स्थित है। यदि दोनों बिंदु माइनस में हैं तो याद रहे कि दी गई बिंदु तृतीय पाद यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। यदि कोई भी बिंदु पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तो समझ लीजिए कि दी गई बिंदु द्वितीय पाद यानी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर कोई भी बिंदु पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो दी गई जो बिंदु स्थित होगा वो चतुर्थ पाद यानी चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, तो दिया गया था -4, -6। ये दोनों संख्याओं में माइनस लगने के कारण ये तृतीय पाद यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तृतीय पाद। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। इस प्रकार के भी सवाल मेट्रिक एग्जाम में हमेशा से एक नंबर में पूछे आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना होगा ये चीज़ कि आखिर परिमेय संख्या का टर्म कंडीशन क्या है, कौन सी स्थिति में परिमेय संख्या होता है, कौन सी स्थिति में अपरिमेय संख्या होता है। तो जान ही लीजिए कि वैसी संख्या जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, वैसी सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो रूट में हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रूट अंडर 9 को देख लीजिए और उसका वर्गमूल होता हो, वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो रूट अंडर 5 का भी वर्गमूल नहीं होता है और प्लस रूट अंडर 5 का भी वर्गमूल नहीं होता है। ये वर्गमूल ना होने के कारण ये अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में भी क्या सोल्यूशन नहीं होगा, अपरिमेय संख्या है। अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो रूट अंडर 11 गुने रूट अंडर 11 है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 11 में 11 से गुना करती हैं तो 121 होता है। और इसको ऐसा गुना कीजिए, 11 गुने 11 कर दीजिए और डबल 11 का रूट अंडर से 111 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 11 और 11 के नीचे एक छिपा रहता है जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है। अतः ऑप्शन सी में दिया गया रूट अंडर 11 गुने रूट अंडर 11 ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल को देख लीजिए कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। मान सारणी तो आप सभी को याद करना बेहद जरूरी है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सेक में 45 और कौशेक में भी 45 का मान रूट अंडर 2 होता है। यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रूट अंडर 2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 से बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि। तो देखिए, मूल वास्तविक एवं असमान होने के लिए d का जो मान होता है वो 0 के मान से बड़ा होना चाहिए। और d को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, b² - 4ac > 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। बोला गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी वृत्त के त्रिज्या का अनुपात इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी दिया गया है, तो जब भी त्रिज्या का अनुपात दे देगा ना, तो जाहिर सी बात है कि आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाएगा। तो जो भी अनुपात पहले से दिया गया है उसमें स्क्वायर लगा दीजिए, और जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए तो आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछ लिया जाएगा। तो वैसे स्थिति में आप सभी को रूट अंडर लगा देना होगा।
तो फिलहाल यहाँ पे हमसे त्रिज्या का अनुपात दिया गया था और क्षेत्रफल का पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में स्क्वायर लगा देंगे। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, अनुपात बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, दिया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर दिया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। तो क्या कीजिए, इसको आपको ए माइनस बी के फार्मूला पे तोड़ना होगा, ठीक है, और प्लस में इसे तोड़ना होगा ए प्लस बी के फार्मूला पे। बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। आप सभी को मालूम होगा कि ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इधर होगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस टू ए बी, और फिर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इससे क्या होगा कि टू ए बी से टू ए बी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस प्रकार से, और फिर इधर भी बचेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए का मान साइन थीटा है, बी का मान कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, फिर प्लस लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, एक में एक को जोड़ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, तो एक और एक कितना होता है, तो दो होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 8 में दिया गया है, इतना बड़ी संख्या दे दिया गया है, इसमें आप सभी से मोड अर्थात बहुलक पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बहुलक पहचानना काफ़ी सिंपल होता है, देखना होगा कि आंकड़े में कौन ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई होगी। तो इसमें अगर आप 5 को देखेंगे तो 5 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आई है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 5। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि एपी का पहला पद 2, पहला पद को हम लोग क्या कहते हैं, ए न कहते हैं, तो ए का मान 2 दे दिया गया है, सार्व अंतर डी, सार्व अंतर का मतलब डी का जो मान है वो 3 दे दिया गया है, तो 8वां पद ज्ञात कीजिए, यानी एन का मान 8 भी दे दिया गया है। तो काफ़ी सिंपल होता है 8वां पद ज्ञात करना, शॉर्टकट फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं ए प्लस जितना पद हमें ज्ञात करना हो उसमें से ए कम करेंगे और डी लगा देंगे। तो फिलहाल हमें ज्ञात करना है 8वां पद, 8 में से ए कम करेंगे तो ये 7 डी हो जाएगा, तो ए का मान लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस 7 गुने डी का मान मिलेंगे लिखेंगे 8, फिर 2 और प्लस 7 56 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं, 7 और गुने डी का मान हम लोग गलती बैठा दिए, ठीक है, डी का मान जो क्वेश्चन में था 7 गुने डी का मान था क्वेश्चन में 3 था, तो हम लोग 3 लिखेंगे, तो 2 प्लस 7 में 3 से न करने पे कितना होता है, तो 7 का 21 होता है। आप सभी को मालूम होगा कि 21 और 2 23 होता है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी में 23 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि 387/405 का सरलतम रूप क्या होगा। है दोस्तों ऊपर दिया गया 387 और नीचे दिया गया है 405, तो इसे ऐसा कीजिए, इसे 43 में 45 गुना पे 87 होता है, 45 में 43 से गुना करने पे ये 405 होता है। तो ये जो कटेगा ना, ये 43/45 मरतबे कटा दीजिए, यानी ये कटेगा 43 मरतबे, नीचे वाला कटेगा 45 मरतबे, इसके बाद में नहीं कट सकता, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 43/45। उसके बाद में आइए अगला सवाल दिखा देते हैं। अगला सवाल जो है वो आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है त्रिभुज का। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, जिसको हम आप सभी को काफ़ी ट्रिक से याद करवाते हैं। आप सभी को बताते हैं केवल इतना याद कर लीजिए 23, 31, 12 और सब में y लगा दीजिए, उसके बाद एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिख दीजिए, आपका त्रिभुज का जो फॉर्मूला है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 में पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे, तो एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू, देखिए ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये बिल्कुल सही है। इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री यहाँ तक ठीक है, प्लस एक्स टू देखिए वाई थ्री मान यहाँ तक ठीक है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू जीरो देने के कारण ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो वाई वन वाई टू दिया गया है, ये भी गलत है, ये भी वाई वन वाई टू दिया गया है, तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है, सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 में दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3/2 हो तो टैन थीटा का मान क्या। देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथडों के माध्यम से आप बना सकते हैं।
आसान तरीका मैं आपसे ये बता दूं कि साइन में आपको देखना होगा कि कितने डिग्री का मान रूट अंडर 3/2 होते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर साइन में 60 का जो मान होता है वो रूट अंडर 3/2 होता है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, तो टेन में भी 60 का मान खोज लीजिए। तो टेन में 60 का मान अगर खोजेंगे तो आपको रूट अंडर 3 मिलने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रूट अंडर 3। अगला सवाल बोला गया है बिंदु -6.11 में भुज का मान क्या होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक्स को हम लोग कहते हैं भुज, वाई को हम लोग कहते हैं कोटि। कई बार मेट्रिक एग्जाम में भुज पूछ लिया जाता है, कई बार कोटि पूछ लिया जाता है, कभी मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ लिया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना बेहद जरूरी है। जब भी हमसे भुज पूछा जाएगा तो समझेंगे कि ये पहला वाला आंसर हो जाएगा, जैसे -6। अगर हमसे कोटि पूछा जाएगा तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, जैसे 11। उसके बाद में है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए लिखाई तो उसका जो होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि घन का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 6 × भुजा का स्क्वायर। तो 6 × यहाँ पे भुजा का मान अर्थात किनारा का मान एल दिया गया है, तो एल का स्क्वायर कर लीजिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब 6L² इकाई आएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल तो काफ़ी सिंपल है, दिया गया है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। क्या कीजिए, पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा का मान ना पूछा गया है। तो फार्मूला होता है -b/a होता है, तो -b का मान क्या है, तो 7 है, तो आप लिखेंगे 7। और a का मान कुछ भी नहीं है, चूँकि x² का गुणांक अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कुछ भी आपको ना मिलेगा, तो आप 1 मान लीजिए। तो अगर आप -7 में 1 से भाग लगा भी देते हैं तो आपका -7 ही क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, -7। उसके बाद में असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो हमेशा के लिए जान लीजिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और उसके बाद में अनिश्चित घटना की भी प्रायिकता 0 होती है। उसके बाद में संभावित परिणाम जो होता है वो 1 होता है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, अधिकतम प्रायिकता का मान भी 1 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता भी 1 होता है। तो इस प्रकार से आपके प्रायिकता से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि cot 46, cot 27 °, cot 44 °, cot 63 °  का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा कि इसमें 90-90 का जोड़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से 90-90 का जोड़ा लगा दीजिएगा, दोनों में से एक तोड़ दीजिएगा। जब तोड़ के बनाइएगा तो ये इस प्रकार से आएगा tan θ × आएगा cot θ। फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम होगा कि tan θ × cot θ का मान क्या होता है। तो दोस्तों आप बोलिएगा कि 1 होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE, BC/EF, AC/DF है जो इतना बराबर 3/5 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब कोई भी ऐसा त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएँ होती है वो आपस में बराबर होती है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी 3/5 दिया गया है इसको हम स्क्वायर कर देंगे, इसे अनुपात में बदल देंगे ना, तो त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो 3² = 9 होता है, 5² = 25 होता है। इसे अनुपात में चेंज करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप चेंज कीजिएगा, 9:25 चेंज कीजिएगा। तो 9:25 ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सी स्थिति में समांतर श्रेणी में होता है, कौन से टर्म कंडीशन में समांतर श्रेणी नहीं होता है, ये जानिएगा तभी ना ऑप्शन को गलत कीजिएगा या सही कीजिएगा। तो जान लीजिए समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या शर्त होता है। हम लोग क्या करते हैं, डी का मान ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम होगा, a2 - a1। एक और d2 हम लोग ज्ञात करते हैं, वहाँ भी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, a3 - a2 ज्ञात करते हैं। जब भी ये दोनों चीज़ ज्ञात करते हैं दोनों में जो मान होता है वो इक्वल आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि दी गई जो सूची है वो AP में है, अन्यथा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ऑप्शनों के माध्यम से बनाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन चलते हैं, तो A2 का मान यहाँ पे 42 मिलेगा, हम लोग लिखेंगे 42 - A1 का मान 21 मिलेगा, तो हम लोग 21 लिखेंगे। 42 में से 21 घटा लीजिएगा तो जाहिर सी बात है 21 बचेगा। उसके बाद D2 में जाएंगे तो A3 - A2, देखिए A3 का मान यहाँ पे 63 है, तो 63 - A2 का मान यहाँ पे 42 है।
अगर 63 में से 42 घटा लीजिएगा तो 21 आएगा। तो आपने देखा दोनों में 21-21 बराबर हो जाने के कारण पहला जो ऑप्शन है ये एपी में है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। हमको देखना है कि कौन सा एपी में नहीं है अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो 9 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। 7 में से 9 घटाएंगे तो ये भी कितना बचेगा, 7 × 2। देखिए सॉरी यहाँ पे गलती कर दिए हैं, 9 में से 11 घटाएंगे तो -2, 7 में से 9 घटाएंगे फिर भी -2, ये भी बराबर आज नहीं कारण समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा। तो इसमें भी 2-2 इक्वल आ जाने के कारण ये भी जो ऑप्शन है ऑप्शन सी वाला ये भी समांतर श्रेणी में है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन जो डी दिया गया है ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। उसके बाद में आइए कुछ में 20 दिखा देते हैं। क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि 3³ × 2 × 5 तथा 3² × 2² × 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आसान सा ट्रिक अपनाइएगा, यहाँ पे दिया गया 3³ यानी 3 को 3 बार लिख दीजिए, इस प्रकार से 3 × 3 × 3 कर दीजिए। उसके बाद में दिया गया 2 × 5 तो लिख दीजिए 2 × 5। उसके बाद में इसमें देखिएगा तो 3² दिया गया है तो 3 को 2 बार लिख दीजिए, 2² दिया गया है तो 2 को 2 बार लिख दीजिए, और 1 दिया गया है 5 उसे ऐसे इस प्रकार से लिख दीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो संख्या दोनों में मिल जाती है वो एचसीएफ कहलाती है। दोनों में यहाँ पर 3 मिल रही है, यहाँ पर दोनों में 3 मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो दोनों में 2 मिल रही है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पे दोनों में 5 मिलने के कारण हम यहाँ पे 5 मिले लिखेंगे, और ये सभी संख्याओं में गुना कर देंगे और ऑप्शन में खोज लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे गुना करेंगे, 5 × 2 = 10 होता है, 10³ = 30 होता है, और 30³ कितना होता है तो 90 होता है। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं 90 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो 90 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, काफ़ी सिंपल सवाल है कि एक द्विघाती बहुपद का आलेख इनमें से कौन सा होगा। तो याद रखिएगा द्विघाती अर्थात दो घात वाले बहुपद का जो आलेख होता है वो हमेशा परवलय रेखा होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 को देख लीजिए कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो टेन ए का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को